हाय गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। अभी मैं डीडीए द्वारका सेक्टर 14 में आ रखा हूँ और आपको सेक्टर 14 में 1 BHK का फ्लैट दिखाता हूँ कि क्या क्या है इसका फ्लैट का नज़ारा, और आपको किचन एंट्रेंस और किचन बाथरूम सारी चीज़ें दिखाता हूँ। सेक्टर 14 द्वारका 1 BHK में आ रखा हूँ। ये देख सकते हैं गैलरी आप, और ये लिफ्ट है, ये फ्लोर B3 और ये लिफ्ट है यहाँ की। ये पैसेज एरिया है, ये भी एक फ्लोर पे ये फ्लैट है, और ये भी पैसेज एरिया आ रहा है आपका, देख सकते हैं। ये स्टेयर का एरिया है, यहाँ से ऊपर आ सकते हैं आप लोग। ये भाई साहब काम कर रहे हैं। ये स्टेयर एरिया है, ये ऊपर फ्लैट है पूरे में। आज शाम को आपको वीडियो मिल जाएगी। जो भी इस वीडियो को देखे मेरा चैनल सब्सक्राइब करके जाइएगा प्लीज़, आपसे रिक्वेस्ट है। हाय गाइस, देखते हैं लिविंग रूम, देख सकते हैं आप लोग। ये लिविंग रूम दिखा देता हूँ कितना बड़ा है। लिविंग रूम देख सकते हैं 3.9 का ये लिविंग रूम है। वहाँ से एंट्रेंस है, छत देख सकते हैं। आपको मैं किचन दिखा देता हूँ। किचन, ये किचन, किचन का साइज ये लिखा हुआ गीजर, ये किचन का साइज है। किचन के लिए भी अलग से बालकनी दे रखी है। अभी मैं फर्स्ट फ्लोर पे हूँ, ग्राउंड फ्लोर पे। किचन से रूम का ज़रा दे सकते हैं। अब मैं आपको टॉयलेट दिखा देता हूँ। मैं आपको ये टॉयलेट, टॉयलेट का साइज और ये बाथरूम, और बाथरूम का भी साइज दिखा देता हूँ मैं। ये बेडरूम देख सकते हैं, बेडरूम का नज़ारा, बेडरूम का साइज, ये खिड़की। टाइल गिना देता हूँ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ये बालकनी है, बाहर से आप देख सकते हो बालकनी। और ये एंट्रेंस है, सामने वेगस मॉल दिख जाएगा आपको। यहाँ की ये भरत विहार की लोकल कॉलोनी है, और ये प्राइवेट बिल्डर के फ्लैट बन रहे हैं, आप देख सकते हैं। ये मैं आपको दिखा रहा हूँ 1 BHK का फ्लैट दिखा रहा हूँ आपको, ठीक है। और ये बाहर का डोर है, और डोर की तरह से मैं आपको दिखा देता हूँ फ्लैट का नज़ारा। और सामने से एंट्रेंस है, वो किचन है, देख सकते हैं। यहाँ से एंट्रेंस हो रहा है आपका, ये एंट्रेंस है। ये पूरा फ्लैट का डाइनिंग रूम, अभी जो मैंने दिखाया आपको 1 BHK था, ये 2 BHK है। इसका वीडियो मैं आपसे अलग से दिखाऊंगा। ये एंट्रेंस है, 2 BHK का दिखा रहा हूँ। ये स्टील का डोर दे रखा है, देख सकते हैं। और 1 BHK में भी स्टील का डोर दे रखा है। ये सैंपल फ्लैट रेडी है, और ये डोर ठीक दे रखा है। ये एंट्रेंस कर गया हूँ मैं, अंधेरा है थोड़ा सा, माफ़ी चाहता हूँ। बार बार लाइट जा रही है, बार बार लाइट आ रही है, ये आप देख सकते हैं। ये बालकनी देख सकते हैं, टोटल बालकनी। स्टील की ग्रिल दे रखी है 304 वाली। ये अभी मैं आपको 2 BHK दिखा रहा हूँ। स्पेस काफ़ी है बाहर, और ये डोर है, विंडो की तरह दे रखा है। बंद चालू हो सकता है, देख सकते हैं। हॉल काफ़ी बड़ा दे रखा है। आपको किचन दिखा देता हूँ, किचन का एरिया देख सकते हैं आप लोग। ये किचन है, किचन का साइज। और किचन के लिए बालकनी अलग से दे रखी है, सेपरेट। वेंटिलेशन के लिए खिड़की वगैरह सारी चीज़ें, काफ़ी वेंटिलेशन है। ये लॉबी एरिया है, और ये लॉबी एरिया, ये मिरर, ये वॉल वेशन दे रखा है लॉबी एरिया। ये 1 BHK का
फर्स्ट बेडरूम है जो बंद कर रखा है अभी इन्होंने, सेम इनको बेडरूम आपको मैं आगे दिखाता हूँ इसी में। ये बेडरूम स्टार्ट होता है 1 BHK का, ये आगे में लॉबी एरिया और ये 1 BHK का बेडरूम देख सकते हैं आप लोग, 1 BHK का बेडरूम। ये डोर, ये साइज 13.10 का और ये डोर दे रखा है। ये गैलरी बाहर की, बालकनी और बाहर का एरिया बाहर से दिखा दूँ मैं आपको, इनफ अच्छा स्पेस है। और जो कोने वाला एरिया है वहाँ पे अपना आप अलमीरा लगा सकते हैं, वुडन अलमीरा बना सकते हैं उसके एरिया को। और ये वॉश बेसन और ये बाथरूम नहाने का एक ही में दे रखा है इन्होंने, नहीं इसमें अलग है, सॉरी अलग है, ये वॉश बेसन और WC अलग है और ये बाथरूम अलग है, ठीक है। इसमें एक एक्स्ट्रा दे रखा है, डबल कर रखा है इन्होंने, 2 बाथरूम है वो भी अलग। और ये डोर दे सकते हैं वुडन का, बढ़िया है, ऐसे इस तरह के लॉक दे रखे हैं। 2 BHK में 2 बाथरूम है, ठीक है। ये साइज दे रखा है, ठीक है। और ये साफ के तरह बाहर का एरिया है, ये आपका वेंटिलेशन के लिए, ये देख सकते हैं डोर मजबूती नहीं, बेकार है ज़्यादा। 2 बाथरूम है 2 BHK के अंदर, ठीक है। साइज देख सकते हैं, दो रूम है, ये रूम बंद कर रखा है अभी। ये रूम बड़ा होगा ना, सेम है, सेम नहीं होगा ना, उसमें वॉशरूम आया। गाइस मैंने आपको सारी चीज 1 BHK 2 BHK एंड EWS के फ्लैट दिखा दिए। यदि मेरा ब्लॉग आपको अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, लाइक शेयर करके जाइएगा, ठीक है। और आप कल में यदि आप मेरे चैनल पे आपको सेक्टर 19 की वीडियो चाहिए तो वो भी आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं, कल वो आपको मिल जाएगी सेक्टर 19 की वीडियो, ठीक है। सेक्टर 14 की है, सेक्टर 14 मैं EWS वाले 1 BHK के फ्लैट में आ गया हूँ, ये उसकी स्टेयर है और मैं अभी ऊपर चढ़ रहा हूँ और आपको दिखाता हूँ 1 BHK EWS, जो कि जिनकी सैलरी 10 लाख और 10 लाख से कम है वो वाले लोग इस फ्लैट में अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। रजिस्ट्रेशन शुरू हो गए, 2500 रुपये दे के अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। और ये लिफ्ट का एरिया है, ये पैसिज एरिया है पूरा, यहाँ से स्टेयर है, यहाँ से मैं ऊपर चढ़ाऊँ अभी। ये एंट्रेंस है EWS सैंपल फ्लैट, ठीक है। जो लोग नहीं आ सकते मेरी वीडियो शाम को आ जाएगी, आप शाम को देख सकते हैं, ठीक है। एंट्रेंस एरिया, लॉबी एरिया का देख सकते हैं, देख लीजिए पूरा अरेंजमेंट कर रखा है। इस तरीके से आप अपने सोफे लगा सकते हैं। और ये यहाँ की किचन है, ये बाथरूम है देख सकते हैं, लॉबी का ये लॉबी एरिया दे रखा है, ठीक है। ये वॉश बेसिन है, WC, ठीक है। और ये आपका रूम दे रखा है देख सकते हैं, रूम का साइज बहुत छोटा लग रहा है मुझे, 9x11 रूम का साइज आप देख सकते हैं मेरी वीडियो में, ठीक है। और ये बेड लगा रखा है, सैंपल बेड लगा के दिखा रखा है कि बेड लगाने के बाद आपके पास कितना स्पेस बचता है, ठीक है। ये देख सकते हैं, ये मैं आपको स्पेस भी दिखा सकता हूँ, ये स्पेस है साइड में, इतना स्पेस बच रहा है, ठीक है। ये बेड लगा और ये ड्रेसिंग अलमारी लगा रखी है, ठीक है। और ये बाहर का रास्ता है, ये है बालकनी आपकी, बालकनी का साइज आप देख सकते हैं, ये बालकनी। और ये बालकनी साइज ऐसे अपने बैठिंग में सिटिंग कर सकते हैं यहाँ पे। और ये साइज ये रहा EWS फ्लैट, ये रहा, ये बालकनी का एरिया दे रखा है, सिटिंग एरिया दिखा रखा है कि कितना मैनेजमेंट आपको पड़ता है बैठने के लिए। और आप ये बाहर का एरिया, ये भरत विहार कॉलोनी आ गई। और जो मैंने अभी 1 BHK का फ्लैट दिखाया था वो उस टावर में है, 1 BHK 2 BHK और EWS का टावर अलग है। ये पूरा टावर दिखा देता हूँ मैं आपको, 1000 समथिंग फ्लैट है EWS के, पूरा सिटिंग एरिया दिखा रखा है कि किस तरीके से आपका फ्लैट और कितनी जगह बचने वाली है, ठीक है। ये मैं आपको हटा के दिखाता हूँ कि क्या एरिया है इसका, ये TV पैनल लगा रखा है मैं आपको, एरिया ये रहा लिविंग एरिया, ये है 9x12, ठीक है। ये लिविंग एरिया दे रखा है, ये सेटअप लगा के दिखा रखा है आप लोगों को कितनी जगह है इस रूम के अंदर, किस तरीके से आप सेटिंग कर सकते हैं, ठीक है। ये EWS का फ्लैट है जो 24 लाख के स्टार्ट है, ठीक है, 24 लाख से 34 से 33 लाख रुपए का एरिया है ये,
मैं टावर आपको दिखा रहा हूँ जो अभी काम चल रहा है, पुताई का काम चल रहा है, देख सकते हैं टावर 12-13 मंजिल बने हुए टावर। तुमको दिखा रहा हूँ ना मैं टावर, ये टावर दिखाने आया हूँ मैं आप लोग को EWS के। मेरा चैनल सब्सक्राइब कर देना जो भी वीडियो देखे, ठीक है। स्पेशल बारिश हो रही है और बारिश में बनाने आ रखा हूँ मैं ये वीडियो आपके लिए। देख लीजिए अभी काम चल रहा है, यहाँ पार्क बनेगा और लास्ट में आ गया हूँ EWS की बिल्डिंग पे मैं। पीछे वो भरत विहार का एरिया है, कॉलोनी है भरत विहार की। इधर अलाव नहीं, चलो टावर दिखाने आया हूँ मैं। और ये आप देख सकते हैं EWS की एंट्री, यहाँ से EWS की एंट्री अलग से, और ये सीधा रोड जाता है सीधा मेट्रो स्टेशन के लिए। सेक्टर 14 वाले रूट पर मिलेगा पिलर के पास, और इधर जाएगा सेक्टर ये ओल्ड पालम रोड के लिए, इधर क्या रोड जो है। और ये देख रहा हूँ मैं, आगे दिखा रहा हूँ आपको ये EWS के टावर सारे। ये तो टोटल यहाँ पे 1008 फ्लैट है टोटल, और जिसकी वैल्यू आपको 33-34 लाख रुपए के बीच में मिलेगी, ठीक देख सकते हैं आप। और जो पार्किंग है इसकी बेसमेंट जमीन के अंदर है सबकी। सामने लोकल कॉलोनी है, ये सैंपल फ्लैट रेडी है जो आप लोग आ सकते हैं देखने के लिए, ठीक है। ये छोटा पार्क वगैरह दे रखे हैं, और EWS की एंट्री बिल्कुल अलग है, ठीक है, उधर से जो मैंने बैक साइड से दिखाया था, और जो 1BHK हैं 2BHK उसकी एंट्री वहाँ से है सामने से, ठीक है। 1BHK 2BHK एक टावर हो रहा, एक टावर ये रहा। तो सबसे ज़्यादा फ्लैट जो है यहाँ पे आपको मिलेंगे EWS के हैं, जो 1008 फ्लैट है, ठीक है। दो टावर, एक ये टावर एक वो टावर। अभी ये मैं कह नहीं सकता ये क्या है, कि सोसाइटी का पता नहीं क्या बरात घर है क्या है इसके बारे में। और पीछे वो देख सकते हो वॉल है, वो वॉल के पीछे भरत विहार का एरिया पड़ता है कॉलोनी का। ये टावर आप देख सकते हैं, ठीक है। जो भी मेरा ब्लॉग देखें मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, ठीक है। कल हो सकता है कि मैं सेक्टर 19 की वीडियो आपको दिखाऊं लाके, ठीक है, कि पार्क कैसे है यहाँ पे, ठीक है। बैक साइड में देखिए, पीछे अंदर देख के आना, ये पार्क के पीछे देख सकते हैं, फ्लैट के पीछे पार्क। ये सारे जितने भी है 1BHK 2BHK हैं, ये अलग टावर है सारे, ठीक है। वो ग्रीन वाले टावर जो भी हैं वो EWS वाले, ठीक है। उधर तक जो लास्ट तक आप टावर देख रहे हैं वो सब EWS के, ये वाले टावर जो हैं ये सारे आपको मिलेंगे 1BHK 2BHK। ये पार्क है, इसी के नीचे बेसमेंट में पार्किंग दी गई है, पार्किंग की कोई टेंशन नहीं है यहाँ पे। और वो जितनी भी कॉलोनी देख रहे हैं सब लोकल कॉलोनी है वो, ठीक है। वो सब अलग बिल्डर फ्लोर है, वो यहाँ का पार्ट नहीं है, देख सकते हैं। यदि आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर करके जाना, ठीक है। और मैंने आपको सेक्टर 14 की वीडियो दिखा दी है, EWS की 1BHK 2BHK तीनों फ्लैट दिखा दिए हैं, ठीक है। कोशिश करता हूँ कि कल मैं आपको सेक्टर 19 के फ्लैट दिखाऊंगा, वहाँ पे जो EWS और जो फ्लैट आए हुए, ठीक है। आपको मिलता हूँ अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। जो भी मेरा चैनल देखे सब्सक्राइब करके जाइएगा, प्लीज़ रिक्वेस्ट आपसे। बाय।